दोस्तों, आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, आज हमारे पास एक नया स्टफ है जो कि है गोडॉक्स कंपनी से। पहले तो मैं किसी को बोलना चाहूँगा कि गोडॉक्स का माइक्रोफोन, तो लोग यही बोलेगा गोडॉक्स का माइक्रोफोन, यानी क्या गोडॉक्स मॉनिटर भी बनाते हैं, गोडॉक्स का माइक्रोफोन भी बनाते हैं? जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज तक आपने गोडॉक्स का सिर्फ लाइटिंग देखा हुआ है। जैसे लाइक अभी मेरे फ्रंट में एक लाइट लगी हुई है, वो भी गोडॉक्स की है। उसके अंदर सॉफ्ट बॉक्स जो उसके ऊपर सॉफ्ट बॉक्स लगा हुआ है, वो भी गोडॉक्स का है। पीछे बैकग्राउंड में सब लाइटें देख रहे हो, वो भी गोडॉक्स कंपनी की। यानी गोडॉक्स कंपनी की ज़्यादातर लोगों के दिमाग में लाइट ही आती है। तो आज इतनी ट्रस्टेबल कंपनी जो हमारे पास सालों से है और उसके प्रोडक्ट बेहतरीन होते हैं, उसमें अब गोडॉक्स कोई तारीफ या किसी पहचान का मोहताज नहीं रहा है। तो वही गोडॉक्स कंपनी ने हमें भेजा है एक मॉनिटर, यानी कि एक कैमरा मॉनिटर बोल सकते हो या फील्ड मॉनिटर बोल सकते हो, और एक ऑन DSLR माइक्रोफोन। तो पहले तो इसका मैं मॉडल नंबर है गोडॉक्स VDMIC, ये आपको दिख रहा होगा गोडॉक्स VDMIC, ये माइक्रोफोन है। और इस माइक्रोफोन को कैसे क्या यूज़ करना है वो भी हम आपको बताएंगे। और गोडॉक्स का GM55, जी हाँ दोस्तों, गोडॉक्स GM55 ऑन फील्ड मॉनिटर जो कि है 4K। और इसमें जैसे पीछे बताया गया है, ये जो आपको भी दिख रहा होगा, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, तो ये 4K है, 3D अलर्ट्स है, फुल्ली टच स्क्रीन है, हेडफोन का वो भी है, पावर ऑन ऑफ ऑन ऑफ का बटन है। तो ये मॉनिटर कैसा है पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये गोडॉक्स का मॉनिटर है 5.5 इंच। एक कैमरे के ऊपर जो साइज होनी चाहिए वो हिसाब से, क्योंकि तो ये मेरा कैमरा है, कैमरे के ऊपर मुझे देखने के लिए जो छोटी स्क्रीन होती है उससे बड़ी स्क्रीन मिले। दूसरा एक मैं अगर फिल्म शूट कर रहा हूँ, या मैं प्री वेडिंग शूट कर रहा हूँ, या मैं वेडिंग शूट कर रहा हूँ, तो उसमें मेरा कैमरे का लुक भी थोड़ा डिफरेंट आए और कैमरा मेरा थोड़ा लुभावना लगे, उसके लिए भी कुछ लोग मॉनिटर खरीदते हैं। कुछ लोग इसका प्रॉपर यूज़ करने के लिए भी खरीदते हैं। प्रॉपर यूज़ है यानी कि पहले तो सबसे बड़ी बात कि इसमें 3D लर्ट इन कर सकते हो। व्हाट इज़ अ लर्ट? लर्ट्स यानी मैं लॉग में शूट करता हूँ, जी हाँ, मैं प्री वेडिंग या वेडिंग जब लॉग में शूट करता हूँ तो कैमरे के अंदर वो ग्रे स्केल में दिखाई देता है, तो मुझे कैल्विन क्या रखना है, एक्सपोजर क्या रखना है, वो मुझे दिक्कत आती है। दूसरा मेरा आफ्टर एडिटिंग, यानी कि मैं एडिटिंग कर रहा हूँ तो एडिटिंग टेबल पर मेरा कलर कैसा आएगा, मुझे कैसा चाहिए, तो मैं पहले से ही वो कलर ग्रेडिंग करके उसकी लट्स इसमें डाल सकता हूँ। तो नीचे इसमें SD कार्ड का स्लॉट दिया हुआ है, मेरे नाखून नहीं है ना, ये खुल गया है, ये SD कार्ड का स्लॉट है। तो SD कार्ड का स्लॉट आप देख सकते हो यहाँ पे। कितने लोग पूछते हैं, मैंने पहले भी एक मॉनिटर का रिव्यू दिया था, तो SD कार्ड का स्लॉट देखकर पूछने लगे क्या इसमें रिकॉर्ड होगा। ये मॉनिटर है, रिकॉर्डर नहीं है, आपको फिर से बता देता हूँ, ये मॉनिटर है, रिकॉर्डर नहीं है। और एक इधर भी दिया हुआ है, ये कैमरा कंट्रोल केबल, यानी कि मुझे एक 4 केबल भी ये मिले हैं, एक सब अलग अलग कैमरा के मॉडल के हिसाब से, तो ये कैमरा को कंट्रोल करेगा। जी हाँ दोस्तों, कैमरा को कंट्रोल करेगा, यानी कि आप मॉनिटर से ही रिकॉर्ड, फोटो, फोकस वो सब कर सकते हो। और उसके कमांड यहाँ पे ऊपर दिए हुए हैं, ये जो बटन्स है। तो पहले तो हम कैमरे की, सॉरी, मॉनिटर की एक फिजिकल के बारे में आपको बता दूं कि ये एल्युमिनियम बॉडी है, फिनिशिंग काफ़ी अच्छा है, पीछे की तरफ NPF बैटरी लगाकर, NPF बैटरी अब हर किसी को पता है, जो हम इंडिया के लोग ज़्यादातर इसको सोनी की बैटरी बोलते हैं, बाकी उसका एग्जैक्ट मॉडल नंबर है NPF, जस्ट लाइक दिस बैटरी, ये बैटरी जो है NPF बैटरी है। तो NPF बैटरी आप लगा सकते हो। HDMI इन और HDMI आउट दोनों दिया हुआ है, यहाँ पे बीच में एक हेडफोन का जैक है। आउट इसीलिए कि आपको कैमरे से इन करना है, लेकिन कोई वायरलेस डिवाइस या अनदर कोई डायरेक्टर मॉनिटर या कोई बड़ा मॉनिटर इसके साथ अटैच करना है तो आप कर सकते हो। यहाँ पे पावर का ऑन ऑफ बटन, और मॉनिटर को कहीं साइड से लगाना है, ऊपर से लगाना है तो ऊपर, और नीचे से लगाना है तो नीचे। इसमें DC इन DC आउट दोनों दिए हुए हैं, यानी कि आपके पास V माउंट बैटरी या अलग से पावर का कोई सेटअप है तो उसमें भी आप लगा सकते हो। ऊपर के बटन में मेनू, बैक और फंक्शन बटन, जो हर एक
वक्त अलग अलग काम करेंगे और आप इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। दोस्तों सबसे अहम बात मुझे इसकी लगी कि इसका जो स्क्रीन प्रोटेक्शन या इसका हुड, आप बोल सकते हो कि जब हम धूप में काम करते हैं तो एक हुड होना चाहिए। बहुत सारी कंपनियों के मॉनिटर में देखे जिसमें ऊपर वेलक्रो होता है, वो प्रॉपर से फोल्ड नहीं होता है। ये मेरी बैग में रहेगा तो भी मुझे दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं जब ट्रैवल करता हूँ तो सबसे ज़्यादा मॉनिटर में ये चीज़ मुझे डिस्टर्ब करती है। और सबसे बड़ा तो इस इन्होंने जो बनाया है, वाह, फिर से एक बार, तो ये बांडोर की तरह अपने आप ही खुल जाता है और ये धूप में मुझे काम करने में काफ़ी अच्छा लगेगा। तो मैं दोस्तों इसके आउटडोर टेस्ट वीडियो भी बनाऊंगा, लेकिन पहले मैं इसको प्रॉपर यूज़ करना सीख लूँ। तो अभी मैं मॉनिटर को लगाना चाहता हूँ मेरे कैमरे के ऊपर, बिकॉज आई एम सो एक्साइटेड। तो दोस्तों मैं इस मॉनिटर को अपने कैमरे पे लगाना चाहता हूँ, तो इसके लिए एक इसको क्या बोलते हैं पर्टिकुलर वो मुझे पता नहीं, लेकिन जो कैमरे का हॉट शो होता है उस पर लगाने के लिए एक हेड, छोटा सा हेड बोल सकते हो। और पहली बार मैंने ऐसा हेड देखा है जिसमें चारों तरफ से अलग अलग एलन की के स्क्रू बनाए गए हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होता है मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जस्ट लाइक, क्योंकि मैं अपना मॉनिटर यहाँ पे लगाऊंगा, तो मॉनिटर मेरा यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ, इसको भी प्रॉपर फिट करने के लिए यहाँ पे एलन की से, क्योंकि आज आपका मॉनिटर लगने के बाद वो लेफ्ट राइट किधर भी घूमना नहीं चाहिए, तो प्रॉपर फिक्स हो जाए उसके लिए एलन की से मैं इसको फिक्स करूँगा। अब उसके बाद मैं उसको अपने कैमरे पे लगाऊंगा। अब क्या होता है, कितनी बार के मैंने मॉनिटर पे बैटरी लगाई हुई है, कैमरा लगाया है और मैं कहीं पे शूट कर रहा हूँ, तो मुझे बार बार कहीं पे जंप करना है, कहीं पे कुछ करना है। तो आप देख रहे हो कि ये मैंने इतना कम करने के बाद भी मेरे मॉनिटर की पोजीशन कहीं पे भी चेंज नहीं, तो ऐसे झुक जाएगा या ऐसे झुक जाएगा या मॉनिटर गिरने का आपको डर रहेगा। ये प्रॉपर इसके ऊपर फिक्स है। अगर फिक्स करना है तो एलन की मदद से आप जो जॉइंट को जैसे आप फिक्स करना चाहो वैसे फिक्स कर सकते हो। तो अभी मैं ये गोडोक्स लिखा हुआ आ गया यहाँ पे, तो मेरा मॉनिटर यहाँ पे ऑन हो गया। तो अभी फ़िलहाल आप देख सकते हो कि ये जो मॉनिटर है वो आपको दिख रहा होगा। तो ये मॉनिटर में पहले तो डबल टैप करते ही मुझे जो भी मेनू चाहिए वो मेनू खुल जाता है और हर मेनू अपना अलग अलग काम करता है। तो ये मेनू क्या काम करता है, 3D LUT कैसे इन करते हैं, ये इसका रेशियो कितना है, इसमें फोकस पिकिंग है या नहीं है, या इसमें एक परफेक्ट मॉनिटर के सारे गुण है या नहीं है, उसका एक अपकमिंग नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए बनाऊँगा। लेकिन आपके कमेंट के बाद तो दोस्तों फटाफट कमेंट कर दीजिए इस मॉनिटर का और ज़्यादा जानकारी के लिए। अभी मैं फिर से आपको एक और चीज़ बताऊं कि जो मैंने आपको बताया था कि गोडोक्स ने एक माइक्रोफोन भी मुझे दिया हुआ है, तो दोस्तों गोडोक्स ने एक माइक्रोफोन दिया हुआ है, वो माइक्रोफोन हम यहाँ पे लगाते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये माइक्रोफोन है, तो हम माइक्रोफोन ऑन DSLR क्यों लगाना है। दोस्तों मैं तो कहूँगा कि आप चाहे वेडिंग कर रहे हो चाहे प्री वेडिंग कर रहे हो, यानी आप एक DSLR से वीडियो कर रहे हो ना, तो वीडियो करते टाइम आपको एक ऑन DSLR माइक हमेशा लगा के रखना चाहिए। पहले तो कैमरे का लुक जानदार आता है, सेकेंड थिंग्स एनवायरमेंटल साउंड। नाउडेज अभी का जो नया दौर है वो नया दौर में साउंड इफेक्ट्स चल रहे हैं, यानी कि आपका विजुअल पुअर होगा तो भी चलेगा, लेकिन साउंड इफेक्ट, साउंड इफेक्ट्स यानी कि मैं कहीं पे शूट कर रहा हूँ प्री वेडिंग, और वहाँ पे प्री वेडिंग पे एक शॉट है कि दूल्हे ने अपना बाइक का चाबी अंदर डाला, बाइक को स्टार्ट किया, सेल्फ स्टार्ट किया और सेल्फ स्टार्ट करके उसका बाइक लेके निकल गया। तो वो जितनी भी मूवमेंट है, चाबी डालना, चाबी का साउंड, कुचरुक ऐसा कुचरुक करके ऐसा सेल्फ साउंड जो आता है वो साउंड, और उसका साइलेंसर का साउंड अगर मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ तो मुझे एडिटिंग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि साउंड इफेक्ट्स इज़ अ नेक्स्ट लेवल। जी हाँ दोस्तों, साउंड इफेक्ट्स इज़ अ नेक्स्ट लेवल। तो नेक्स्ट लेवल आपको जाना है तो एक ऐसा माइक्रोफोन, अभी मैं यहाँ पे एक ब्लॉगर की तरह मैं कुछ रिकॉर्ड करना चाहूँगा कि जस्ट लाइक
यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है दोस्तों, आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, मैं गौतम वरिया। तो ये विदाउट माइक्रोफोन है, अभी विथ माइक्रोफोन हम लगा के देखेंगे। दोस्तों आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, ये माइक्रोफोन है विदाउट एनी नॉइस फिल्टर, क्योंकि गोडोक्स ने हमें दो नॉइस फिल्टर भी दे रखे हैं और एक और एक्स्ट्रा केबल है कि जो मैं मोबाइल में अगर अटैच करना चाहूँ तो मोबाइल से मैं अटैच कर सकता हूँ। तो अभी मेरे कैमरे से अटैच है, तो कैमरे के अंदर जो माइक्रोफोन लगा है उसमें कोई भी ऐसा विंड फिल्टर या नॉइस फिल्टर नहीं लगाया है, तो डायरेक्ट माइक से कैसी साउंड है वो हम चेक करेंगे। तो दोस्तों अभी मुझे अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करनी है, एक फ़िल्टर दिया हुआ है कि नॉर्मली इंटरव्यू के लिए, तो इसका इफ़ेक्ट कैसा है वो भी हम देखेंगे। इसको पहले तो प्रॉपर, वाह, इसका लगाने के बाद जो गोडोक्स का ब्रांडिंग है, तो इधर गोडोक्स लिखा हुआ है तो वो बहुत ही लुभावना लग रहा है और इसका लुक भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। येल्लो कलर का ये जंपिंग सिस्टम या शॉकर फ्री, यानी कि जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो ये छोटा सा हल्का सा झर्क भी आपको दिक्कत दे सकता है, इसलिए ऐसे शॉकर्स माइक्रोफोन में ज़्यादातर बनाए जाते हैं। अब हम इससे एक बार ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे, तो पता नहीं इसमें मेरा फेस दिखने वाला या नहीं दिखने वाला। बाकी मैं यहाँ पे फिर से एक बार, तो दोस्तों आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, मैं गौतम वरिया यहाँ पे गोडोक्स माइक का टेस्टिंग कर रहा हूँ। उसके एक नॉइस कैंसलेशन फिल्टर बोल सकते हो उसको, या नॉइस फिल्टर बोल सकते हो, उसके थ्रू पहले डायरेक्ट था, अभी इसका एक और है जो कि इसको डेड कैट बोलते हैं। आप अगर गूगल में देखोगे ना डेड कैट, तो ये निकल के आ जाएगा। तो ये इससे विंड यानी कि तो ऐसी हवा डिस्टर्ब करती है तो ये हवा से प्रोटेक्ट करेगा, यानी कि नॉइस को, यानी कि वॉइस को, यानी कि ऑडियो को। तो उसके लिए हम ये लगाएंगे और उसके बाद फिर से रिकॉर्डिंग ऑन। और इसके साथ दोस्तों आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, मैं गौतम वरिया फिर से आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल गौतम वरिया पे। एक बार इसका टेस्टिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, एसी ऑन करो ज़रा, एसी ऑन करके उसकी विंड है जो, तो यहाँ पे माइक्रोफोन के साथ यहाँ पे ऐसे ब्लॉक बनाते हुए। दोस्तों आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, मैं गौतम मुरिया फिर से आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल गौतम मुरिया पे। तो विथ एसी है फिर भी इसमें कैसा साउंड है वो एडिटिंग के टाइम पता चलेगा। तो दोस्तों इसी माइक्रोफोन और इसी मॉनिटर का हम आउटडोर टेस्टिंग वीडियो और कोई चीज़ बनाना चाहेंगे, लेकिन उसके लिए आपको करना पड़ेगा कमेंट के वीडियो आपको कैसा लगा। बहुत जल्द हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, तब तक आपसे अलविदा लेते हैं। बाय बाय, जय श्री कृष्ण, आओ जो